एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग दोस्तों। अगर आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टेड स्टेटस में आ गया है, मतलब वहां पे नीचे लिखा है ऑब्जेक्टेड, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, उसके नीचे ये भी लिखा होगा अवेटिंग रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूँ समीर और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टेड है तो आप किस तरीके से वो ऑब्जेक्शन को हटा सकते हो और वो ऑब्जेक्टेड होने का मतलब होता क्या है। दोस्तों, लोग जब ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको रजिस्टर होके मिलेगा ही मिलेगा। आप एक बात ये समझ लीजिए कि आप जब ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे ना, तो अप्लाई करने के बाद ऑफिसर उसको चेक करता है कि वो ट्रेडमार्क किसी और के ट्रेडमार्क से तो मेल नहीं खाता, क्या वो ट्रेडमार्क किसी और का वेल नोन ट्रेडमार्क तो नहीं है, क्या वो ट्रेडमार्क इस लायक है कि आपको वो मिल सके। ये फैक्टर्स चेक किए जाते हैं। जब ये फैक्टर्स चेक करता है ऑफिसर, तो वो एक रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट को बोलते हैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जिसमें ऑफिसर ये बताता है कि वो आपको ये ट्रेडमार्क क्यों नहीं दे सकता और आपका जवाब मांगता है। अब ये जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, ये अप्लाई करने के मोस्टली फिलहाल 1 से 1.5 महीने में आ जाता है। मतलब आपने अगर ट्रेडमार्क 1 जनवरी को अप्लाई किया तो फरवरी एंडिंग तक ऑब्जेक्शन रिपोर्ट आ जाएगा। अब अगर ऑब्जेक्शन रिपोर्ट आए तो करना क्या है। अब करना ये है कि ऑब्जेक्शन रिपोर्ट को आप जरा पढ़ेंगे, पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ट्रेडमार्क या तो सेक्शन 11 में ऑब्जेक्ट हुआ है या तो सेक्शन 9(1) में ऑब्जेक्ट हुआ है। अगर सेक्शन 11 में ऑब्जेक्ट हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि किसी और के ट्रेडमार्क है जो आपके ट्रेडमार्क से मेल खाते हैं। और 9(1) में अगर ऑब्जेक्ट हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका ट्रेडमार्क इस लायक ही नहीं है कि उसको ट्रेडमार्क का स्टेटस दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिख दिया मुंबई वड़ा पाव। अब आप एक लॉजिकल बात समझिए और सोचिए, अगर रजिस्ट्रार ने आपको मुंबई वड़ा पाव पे ट्रेडमार्क दे दिया तो पूरे मुंबई में कोई और वड़ा पाव अगर बेच रहा है और उसके नीचे उसने लिख दिया समझो अजंता मुंबई वड़ा पाव, तो आप उसको ऊपर केस करोगे, बोलोगे मुंबई वड़ा पाव तो मुझे दिया है तो तुम कैसे यूज कर रहे हो। तो इसलिए सेक्शन 9(1) जनरल और जेनरिक वर्ड्स को ट्रेडमार्क देने से रोकता है और सेक्शन 11 उन ट्रेडमार्क देने से रोकता है जिसके सिमिलर ट्रेडमार्क है। तो पहले ये समझना जरूरी है कि आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्ट क्यों हुआ है, उसके बाद में उसका रिप्लाई बना के देना जरूरी है। ये रिप्लाई ऑब्जेक्ट होने के 30 दिनों में बना के देना जरूरी है, अदरवाइज आपका ट्रेडमार्क अबैंडन हो जाएगा, जिसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो वेस्ट हो जाएगा। फिर आपके पैसे पूरे वेस्ट हो गए, आपकी मेहनत पूरी वेस्ट हो गई। तो अगर आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टेड हुआ है और आप चाहते हो कि उसको आगे सही रास्ते पे रखा जाए, कि आगे वो प्रोसेस हो और आपको TM और R मिले, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ऑब्जेक्टेड ट्रेडमार्क का रिप्लाई देने में। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, मेरा नाम है समीर, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर व्हाट्सअप कीजिए और ये भी लिखिए कि मुझे ट्रेडमार्क पे से ऑब्जेक्शन हटाना है। इंग्लिश में भी या हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगा आपके ट्रेडमार्क पे से ऑब्जेक्शन हटवा के देने में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।